नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धूमधाम से मनाई भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती। विशाल वाहन रैली के साथ हजारों समाजजन हुए शामिल। ब्राह्मण महापरिषद के तत्वाधान में शुक्रवार को ग्राम कुंडाली बमहोरी में भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम दर्शन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए। भगवान परशुराम की जयंती पर आज कुंडाली बमहोरी में धूम रही। इस दौरान जगह जगह कई आयोजन हुए। इस मौके पर ब्राह्मण संगठन द्वारा ग्राम कुंडाली सिद्ध हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा एवं बाइक रैली निकाली गई। जगह जगह पर भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात यात्रा ग्राम कुंडाली श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर कॉलोनी होते हुए शिवलोक कॉलोनी कस्बा बमहोरी पहुंची, जहाँ कस्बा के मुख्य मार्गो से होते हुए सिद्ध स्थान झरना मंदिर पहुंची, जहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर वरिष्ठ पितृ जनों का सम्मान एवं धर्म सभा का आयोजन कर प्रसादी वितरण कर समापन हुआ। शोभा यात्रा का जगह जगह सभी समुदायों के संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और पूरे रास्ते भर भगवान परशुराम के जयकारों का उद्घोष करते रहे। शोभा यात्रा में ट्रॉली से सजी राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जो जनता का मन मोह रही थी। वहीं दूसरी ओर डीजे की धुन पर युवा थिरक रहे थे, वहीं युवा शोभा यात्रा हाथ में झंडे लहराते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे। इंडिया न्यूज 28 के लिए सिलवानी बमहोरी से मदन वर्मा की रिपोर्ट।